प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के मौके पर अब से थोड़ी देर पहले हिमाचल प्रदेश के लिपचा पहुंचे हैं। वहां जवानों के साथ दिवाली मनाने गए हैं प्रधानमंत्री। और आपको याद है, आपको पता है, प्रधानमंत्री हर साल जवानों के बीच ही दिवाली मनाते हैं और इस बार वो हिमाचल पहुंच गए। ट्वीट करके इसकी जानकारी दिया है और जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो जवानों के बीच पहुंच चुके हैं दीपावली मनाने। पहली तस्वीर आ चुकी है, देखिए जरा तस्वीरों को। सेना की वर्दी में बकायदे नजर आ रहे हैं देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और तस्वीरें हैं लेपचा हिमाचल प्रदेश की। तो जबाज जवानों के बीच पहुंचा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कहना है। हिमाचल प्रदेश के लेपचा में जवानों के बीच पीएम मोदी की मौजूदगी। देश आज दिवाली का पावन त्यौहार मना रहा है, रोशनी का यह त्यौहार महापर्व, और हर तरफ दिवाली की रौनक है। और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जाबाज वीर बहादुर अपने सैनिकों के बीच पहुंच चुके हैं एक बार फिर से। दीपावली में यह सिलसिला लगातार जारी है, कायम है, और उम्मीद भी थी कि पीएम पहुंचेंगे। और आपको अब तस्वीरें दिखा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से, नजर डालिए। सियाचिन ग्लेशियर सबसे पहले पहुंचे थे 23 अक्टूबर 2014 को। यह पहली दिवाली थी बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब उन्होंने शपथ लिया। उसके बाद से अमृतसर बॉर्डर पर पहुंचे, 11 नवंबर 2015 की तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं, 7 नवंबर 2018 हरसिल गांव उत्तराखंड पहुंचे, फिर से जवानों के बीच गर्मजोशी से स्वागत, उनके हौसला अफजाई, मिठाई खाया था और खिलाया था। अब देखिए राजौरी पहुंचे थे अगले साल, दिवाली की ही ये तस्वीर है 2019 की। फिर 2020 में 14 नवंबर का वो दिन जैसलमेर और किन्नौर हिमाचल प्रदेश में पहुंचे थे, फिर से 2016 में, और 2017 19 अक्टूबर को पहुंचे हुए थे गुरेज जम्मू कश्मीर, 12 नवंबर 2023 की आज की तस्वीर 12 नवंबर, 4 नवंबर 21 और अगली तस्वीर 22 के।